शासन के निर्देश पर किसानों के किए जा रहे धान खरीद की स्थिति का जायजा लेने बुधवार को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने तहसील सहजनवा के विभिन्न धान क्रय केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सहजनवा सुरेश राय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि धान खरीद की स्थिति का जायजा लेने के लिए क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जहाँ धान खरीद की स्थिति संतोषजनक पाई गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके धान का उचित समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, किसानों का रजिस्ट्रेशन जारी है। उन्होंने किसानों से अपील किया कि वे अपने धान की बिक्री सरकारी समर्थन मूल्य पर सहकारी धान क्रय केंद्रों पर ही धान बेचे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, आप अवगत हैं कि जनपद में 137 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं, वहाँ सारी अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं, धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है, किसानों का पंजीकरण भी मिशन मोड पे चल रहा है, अभी आवाज प्रारंभ हो गई है और सभी जगह व्यवस्थाओं के साथ किसानों के सुगमता के साथ क्रय व्यवस्था चल रही है। आज सहजनवा के कुछ केंद्रों का निरीक्षण किया गया, निरंतर मेरे द्वारा हमारे सभी मजिस्ट्रेट्स द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है, किसानों को प्रेरित किया जा रहा है, किसानों को सारी व्यवस्थाएँ मिल रही हैं, धनराशि सीधा उनके खाते में 24 घंटे के अंदर प्रेषित की जा रही है। इससे किसान धान क्रय केंद्र के पक्ष में एक विश्वास भी बना रहे हैं और आगे बढ़कर बेचने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। क्या स्थिति है सर आपका? अभी तेज़ी से खरीद हो रही है और यही हम लोग रन रेट और व्यवस्थाएं रखेंगे और किसानों से और संपर्क स्थापित करते हुए प्रेरित करेंगे। ग्राम पंचायतें, लेखपाल, सभी को भी किसानों को मोबिलाइज करने के लिए निर्देशित किया गया है और अच्छी व्यवस्था के साथ इस बार धान क्रय सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिले।